तो भैया अब हम बात करेंगे वॉच टाइम की। ठीक है, वॉच टाइम इज द आपको वो चाहिए। इस समय मैं आपको मॉर्निंग की टाइम लाइन दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये वीडियो शूट हो रहा है मॉर्निंग में बिकॉज ऑफ रीजन। अब इवनिंग में ब्लॉग शूट नहीं हुए, मॉर्निंग में होंगे। कई लोग पूछ रहे थे पीछे फ़ोटो के बारे में। भाई भाभी बोलती थी पता नहीं कौन सा हीरो, जो लगता हूँ मगर लगता हूँ। कमेंट करके बताना कौन सा हीरो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ अच्छे से देखना और समझना कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। इससे दो से तीन चीज़ें मैं आपको जनरल बताऊँगा और इसमें जो ट्रेंड चल रहा है वो कई लोग सोचेंगे मैं व्यूज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बट नहीं भाई, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और काफ़ी सीरियस टॉपिक है। ठीक है, आज की जनरेशन के लिए काफ़ी सीरियस टॉपिक है क्योंकि मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो यूट्यूबर हैं और काफ़ी दोस्त हैं जो टिकटॉकर हैं। तो भाई टिकटॉकर की बात अलग है, टिकटॉकर की लाइफ एक अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पहले नंबर हम बात करेंगे टिकटॉक की लाइफ। टिकटॉक की लाइफ मतलब आप बिल्कुल हटकर प्लेटफॉर्म है, मैंने वो बिल्कुल हटकर प्लेटफॉर्म। तीन चीज़ें लेंगे जो कि स्पेसिफिक है। पहली चीज़, टिकटॉक पे काफ़ी ट्रेंड्स सेम है, इन द सेंस कि आप गाना देख रहे हैं, एक गाने पे लाखों वीडियोस बनी है, लाखों वीडियोस बनी है। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन प्लस फिल्टर, ये दोनों का यूज़ करिए और टिकटॉक पे वीडियो डाल दीजिए। 15 सेकंड इज नॉट टू मच मैन, टू मच नहीं है ये 15 सेकंड। मगर यूट्यूब पे वीडियो आप मिनिमम वीडियो आप देखेंगे 3 मिनट से स्टार्ट होती है, देन 3 मिनट मिनिमम वीडियो। तीसरे टॉपिक है एक्शन कैमरा रोल। एक्शन कैमरा रोल में ये है कि आप एक्शन कर सकते हैं बस टिकटॉक पे, और कैमरा का कोई यूज़ नहीं है। कैमरा का इन द सेंस मैं बोलना चाह रहा हूँ सिनेमैटिक हुआ, कैमरे का टाइम लैप्स हुआ, कैमरे का स्लो मोशन हुआ, कई चीज़ें हैं, हाइपर लैप्स हुआ, तो वो टिकटॉक पे नहीं मिलेगा आपको, जो सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा। और तो भैया अब हम बात करेंगे यूट्यूब की। यूट्यूब में क्या होता है कि कई प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का एक अलग सिनेरियो है। यूट्यूब में हर चीज़ें आपको मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब वर्ल्ड का, फिर से बोलूँगा, वर्ल्ड का सेकेंड सर्च इंजन कहलाता है। गूगल के बाद यूट्यूब पे ही मैक्सिमम सर्च होते हैं। अब हम वॉच टाइम की बात करते हैं, वॉच टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वॉच टाइम में क्या होता है कि देखा गया 2018 का, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में, 2018 में क्या हुआ है कि सबसे ज़्यादा वॉच टाइम लिया गया 900 मिलियन आवर्स, मगर इन दिसंबर 2019 रिकॉर्ड किया गया 5.5 बिलियन। मैं फिर से रिपीट करूँगा, 5.5 बिलियन आवर्स यूज़र जो है, मतलब वॉच टाइम है उसका टिकटॉक का, दैट्स इज़ अ बिग आर मैन। और वहीं यूट्यूब का जो है वो सिनेरियो कम है, क्यों? वहाँ पे भाई यूट्यूब पे पब्लिक है, दूसरी नंबर पब्लिक इन द सेंस ब्रांड्स की, ब्रांड जो है वो दोनों के लिए है भाई, यूट्यूबर के लिए भी है और टिकटॉकर के लिए भी है, मगर टिकटॉक की बात कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि यार ये बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि जो ब्रांड्स हैं वो वहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है? ब्रांड्स वहाँ जाते हैं भैया जहाँ नंबर ऑफ़ फॉलोअर ज़्यादा है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ पब्लिक ज़्यादा है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ फैन ज़्यादा है। हर चीज़ है भाई वहाँ पे, हर चीज़ है वहाँ पे, मैक्सिमम लोग जाते हैं वहाँ, मैक्सिमम लोग विजिट करते हैं, मगर वो सब टेम्प्रोरी भाई, परमानेंट नहीं है, मगर ब्रांड्स सब भी जाते हैं। मैंने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने एक चीज़ फील किया, गौर से सुनना, एक चीज़ फील किया जो कि मेरे दिल को ये छुई भी है, सही भी है। इंजीनियर डॉक्टर, भाई इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, तुम कुछ भी करो मैन, कुछ भी करो, ठीक है। सपना क्या होता है, मर्सिडीज खरीदेंगे हैं, ऑडी खरीदेंगे, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ रोल नहीं है। सपना सपना ही रहता है, कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं, मगर यहाँ पे हमारे टिकटॉकर जो भाई बहन हैं सबसे ज़्यादा, वो ये सपना पूरा कर देते हैं कुछ ही साल में, कुछ ही महीनों में। कैसे भाई, उनके पास हर चीज़ है भाई, मर्सिडीज़ भी आती है उनके पास, ऑडी भी जाती है उनके पास, बड़ी बड़ी कंपनियां जाती हैं, वॉचेस फ्री में है, आईफोन फ्री में है, यार हर चीज़ उन लोगों को मिलता है। क्यों?
उतना पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, उसके बाद भी कई स्ट्रगल किया, कितने लोगों के ताने सुने, उसके बाद मिलती है सपनों की चीज़ें, और यहाँ पे तो कुछ ही साल में कुछ ही। तो वो चीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है यार, पॉइंट बहुत ज़रूरी है, कॉमन इंसान को ये सोचना चाहिए। फाइनली तो पहले से लेके अभी तक क्रिएटर की रिस्पेक्ट होती थी, होती है और होती रहेगी, वो टिकटॉक पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम दिल से ऑन यूट्यूब रिजल्ट आ चुका है और इसका विनर है यूट्यूब अच्छा है, इसलिए नहीं, यूट्यूब में हर चीज़ है आपको मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी आपको। सो सपोर्ट करो यूट्यूब को यार, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और मेरे ख्याल से विनर है, आपके ख्याल से क्या है ये मुझे सच्ची नहीं पता। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, थैंक यू। भाई साहब, क्रिएटर को मेहनत लगती है हर शॉट के लिए, हर एंगल के लिए, हर स्पीच के लिए, हर डायलॉग के लिए। तो करो चैनल को यार, और अच्छा लगे तो शेयर करो, आज ही बेच के जाएगा मेरे को भी सामान।